बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में स्कूल खुले से पहले शिक्षकों और छात्र की बेहद बड़ी खबर लेके आया है। जहां प्रोजेक्ट बता दी, मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से पहली से पांचवीं तक के स्कूल खुले के आदेश जारी हो गया है। विभिन्न क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम करे तिवारी अपना प्रोजेक्ट का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। जनों में अपना प्रोजेक्ट बताया मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चन के स्कूल दोबारा खुले जा रहे हैं। कि पहले आज जो है स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज 15 सितंबर से 17 सितंबर तक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित होने लगी। एक माध्यम से विद्यार्थियों के पढ़ाई के निरंतर बनाए रखे की तिर अभिभावक एवं शिक्षकन के बीच सक्रिय संवाद स्थापित किए गए। अपना प्रोजेक्ट बताया दी स्कूल शिक्षा मंत्री सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा बताबा गया, प्रदेश में विद्यार्थियों के पढ़ाई का निरंतर बनाए रखब और अभिभावक एवं शिक्षकन के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करे खेती प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालय में 15 से 17 सितंबर तक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। शैक्षणिक सत्र में लंबा विलंब है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक व्यवस्था के साथ सारा समाज प्रभावित हुआ है। ऐसा समय में विद्यार्थियों की दिन शिक्षा के माहौल बनावे में शिक्षक और अभिभावकों के सहयोग अपेक्षित है। अपना प्रोजेक्ट बता दी इंदर सिंह परमार के द्वारा सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित रह के आग्रह किए गए। अभिभावक और शिक्षक बैठक के दौरान नवीन सत्र में कक्षा के पाठ्यक्रम का नियमित समयबद्ध में पूरा करे और घर में विद्यार्थियों के पढ़ाई निरंतर रखे और नई शिक्षा नीति के जो है आलोक में शिक्षण व्यवस्था के संबंध में अभिभावकों का अवगत करावा जाए। यह सत्र में विद्यार्थियों के बेहतर परिणाम लाभ में अभिभावकों की भूमिका के संबंध में चर्चा की जाए। अपना प्रोजेक्ट बता दी प्रदेश के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालय की कक्षा पहली से पांचवीं तक के प्राथमिक स्तर के कक्षा 50% क्षमता के साथ 20 सितंबर से चालू हो चुकी। उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं के 100% विद्यार्थियों की छात्रावास आवासीय विद्यालय जो है संचालित की गई। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की स्कूल और छात्रावास खोले गए हैं, लेकिन छात्रावास में उनका कुल क्षमता 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हुई। अपना प्रोजेक्ट बताया दी सिंह के द्वारा बताया गया कि विद्यालय में छात्रावास के अभिभावकों के सहमति से विद्यार्थी उपस्थित हो सके, जो जिला में स्कूल छात्रावास आवासीय विद्यालय के खोले जाए के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सहमति ली गई। विद्यालय और छात्रावास में भारत सरकार और राज्य स्तर के समय समय पर जारी SOP नियमन के पालन करावा दी। विद्यार्थियों के ऑनलाइन कक्षा और डिजिटल माध्यम में पढ़ाई पूर्व के तरह संचालित की गई। तो यह रहा प्रमुख खबर जो विद्यालय का स्कूलन का शुरू करे खेती जारी किए गए है। और यह 20 सितंबर से पहली से पांचवीं तक के विद्यालय अब शुरू हो जाने लगे। यह दौर में ये कोरोना के तीसरे लहर के खतरा के साथ साथ अब डेंगू के खतरा जो है मंडराए रहा है। तो आपन बिल्कुल विशेष ध्यान रखी, अपने अगल बगल पानी जमा ना हो दी, काहे कि डेंगू के खतरा बेहद बड़ा है और ये समय पूरे मध्य प्रदेश जो है डेंगू के चपेट में है। तो आपने अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।